आईटीआई भारत स्किल यूट्यूब चैनल में दोस्तों आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हमारा फुल मॉक टेस्ट होने वाला है जो कि MRAC यानी कि मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग, ये आपका थ्योरी का रहेगा, जिसमें आपको थ्योरी के आपके यहाँ पर 38 क्वेश्चन मिलने वाले हैं और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के यहाँ पर 25 मिलने वाले हैं और WCS यानी वर्कशॉप कैलकुलेशन के 6 क्वेश्चन मिलेंगे और ED यानी इंजीनियरिंग ड्राइंग के आपको यहाँ पर 6 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। टोटल आपको क्वेश्चन होगा पूरा फुल मॉक टेस्ट जैसा कि आपका CBT एग्जाम होगा, 75 क्वेश्चन का टोटल होगा। तो उसी पैटर्न पर आपको मैंने ये क्वेश्चन तैयार किए हैं, जितने भी आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस से लिए गए हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ इस मॉक टेस्ट को आप पूरा फुल बेस लगाएंगे। आपका 75 में से कितना स्कोर हुआ हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और आपका एक सपोर्ट जरूर चाहते हैं कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टडी ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करें। और दोस्तों चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्या करना, ऑल पर प्रेस करना, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। तो दोस्तों हम सीधा क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर दिया गया और ये हमारा फर्स्ट ईयर वालों के लिए है, MRAC जो कि ट्रेड है फर्स्ट ईयर वालों के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर दिया गया, फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया, ज्वलनशील तरल पदार्थों की आग को हम कौन बुझाता है। तो जो ज्वलनशील तरल पदार्थ रहती है जिससे आग लगती है उसको बुझाने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, इसके बारे में पूछा गया। देखिए ऑप्शन ए दिया गया पानी का यूज़ करेंगे, ऑप्शन बी दिया गया वायु का, ऑप्शन सी दिया गया कार्बन डाइऑक्साइड दिया गया, ऑप्शन डी आपका दिया गया तेल। तो इसमें से सही बताइए कमेंट करके किसका यूज़ करेंगे, तो जल्दी से कमेंट करेंगे सभी साथी इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए और सभी कमेंट करते चले इसका राइट आंसर और वीडियो को जरूर शेयर कर दे जिससे अन्य छात्रों को भी इस वीडियो का लाभ मिल जाए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो से जुड़ जाएं। तो काफ़ी साथी इसका राइट आंसर कमेंट भी करने लगे हैं, तो जो भी साथी इसका राइट आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर हो जाएगा, यानी क्या होगा CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं आपकी स्क्रीन पर, यह रहा क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा। एग्जाम में हमेशा याद रखना क्वेश्चन को बिल्कुल घबराना मत, अच्छे से उनको पढ़ना और उनका ऑप्शन से देखना, उसके बाद ही राइट आंसर कमेंट करना, ठीक है। और जो सबसे मतलब जो बिल्कुल आते नहीं है क्वेश्चन उनको सबसे बाद में अटैम्प्ट करना, क्योंकि माइनस मार्किंग तो आपकी रहेगी नहीं, इसलिए आप सभी क्वेश्चन करके आना, ठीक है। पहले जो आते हैं वो अच्छे से सटीक तरीके से उनको सही जितने आते हैं उनको अच्छे से करना, जो कम आते हैं उनको बाद में करना और बिल्कुल नहीं आते उनको बाद में तुक्का मार के आ जाना, ठीक है। करना सभी क्वेश्चन, एक भी छोड़ के मत आना, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर दिया है कि पीतल बनाने के लिए जस्ते के साथ किस धातु का जो मिश्र धातु मिलाई जाती है, मतलब पीतल के साथ जो जस्ता रहता है जस्ते के अलावा और कौन सी धातु मिलाकर जो पीतल बनती है इसके बारे में पूछा गया। देखिए ऑप्शन ए दिया गया आयरन दिया गया, ऑप्शन बी दिया गया तांबा दिया गया, ऑप्शन सी आपका कांसा दिया गया, ऑप्शन आपका डी दिया गया एल्युमिनियम। तो इसमें से सही कौन सा होगा ये आपको कमेंट करके बताना है। तो सभी साथी कमेंट करिए इसका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए, जितने भी साथी हमारे वीडियो देख रहे हैं सभी कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो काफ़ी स्टूडेंट इसका राइट आंसर कमेंट भी कर रहे हैं, जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर हो जाएगा, यानी हमारा क्या होगा तांबा यानी कॉपर, जस्ता और कॉपर इन दोनों से मिलकर क्या पीतल बनती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा बी इज़ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर दिया गया, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा। क्वेश्चन में दिया गया जो स्निप्स में एक्स जो एक्सिस से जो चिन्ह जो भाग है उसका आपको नाम कमेंट करके बताना। देखिए यहाँ पर एक्स से एक चिन्ह जो भाग दिया गया इसका आपको नाम कमेंट करना है, तो इसको क्या बोलेंगे, हैंडल बोलते हैं या ब्लैक बोलते हैं या स्टॉप्स बोलते हैं, ऑप्शन डी दिया गया बोल्ट बोलते हैं। तो कमेंट करिए सभी साथी अगर आपने इस टूल के बारे में अगर पढ़ा है, इसके बारे में इसके पार्ट्स के बारे में अगर देखा है, किताब में पढ़ा है, अपने ITI कॉलेज में अगर इसके बारे में देखा है अगर पढ़ा है, तो आप आसानी से इसका राइट आंसर कमेंट कर सकते हैं। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो काफ़ी स्टूडेंट का राइट आंसर कर रहे हैं, जो भी स्टूडेंट करेगा ऑप्शन नंबर सी करेगा उनका राइट आंसर हो जाएगा, इसको हम बोलते हैं स्टॉप्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या होगा स्टॉप्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर आ चुका है क्वेश्चन, क्वेश्चन में दिया गया सोल्डरिंग टूल का नाम क्या है। जैसे कि आपके सामने एक सोल्डरिंग जो टूल दिया गया है, इस टूल का आपको नाम कमेंट करके बताना है कौन सा टूल है जो कि जिससे हम सोल्डरिंग करेंगे। तो देखिए ऑप्शन ए दिया गया ब्लो लैंप दिया गया, ऑप्शन आपका बी दिया गया पॉट एंड लेडल दिया गया, ऑप्शन आपका सी दिया गया सोल्डरिंग गन दिया गया, ऑप्शन आपका डी दिया गया सोल्डरिंग आयरन। तो इसमें से सही कौन सा ये आपको कमेंट करके बताना, ये डायग्राम दिया गया इस सोल्डरिंग टूल का नाम कमेंट करके बताएं। तो सभी साथी कमेंट करते चलेंगे इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, जितने भी हमारे साथी वीडियो देख रहे हैं सभी कमेंट करेंगे, जितने भी देख रहे हैं चाहे एक देखें या दो देखें कमेंट करते चाहे, जिससे कि होगा क्या आपको ये फ़ायदा हो जाएगा कि अगर आप अभी गलती करोगे तो आपका सुधार हो सकता है, लेकिन जब CBT एग्ज़ाम में अगर गलती कर दोगे
तो आप वहाँ सुधार नहीं कर सकते हैं। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसको हम क्या बोलेंगे सोल्डरिंग गन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? सोल्डरिंग गन, इसको बोलते हैं सोल्डरिंग गन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया क्वेश्चन, ये भी प्रीवियस एग्जाम से हमने आपको ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ, इसलिए आप पूरा अटैम्प्ट करना है पूरा विधिवत तरीके से। 75 क्वेश्चन में था, आपका कितना स्क्वायर हुआ है हमें कमेंट करके बताना। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में दिया सेंटर पंच जो टिप का कोण कितना होता है, जो सेंटर पंच जो के टिप होता है उसका एंगल कितना होता है, इसके बारे में पूछा गया। देखिए ऑप्शन ए दिएगा 30 डिग्री का, 60 डिग्री या 90 डिग्री या 120 डिग्री, कितने डिग्री का होगा तो इसमें से आपको बताना है एंगल का नाम कितना होगा। तो कमेंट करिए सभी साथ इसका राइट आंसर। तो जो भी साथ इसका अगर राइट आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा, यानी कितना कोण होगा ये 90 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 90 डिग्री इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर, ये रहा क्वेश्चन में पूछा गया उच्च प्रतिरोध की जांच करने के लिए उपयुक्त उपकरण का नाम क्या है। जैसे कि आपके सामने उच्च प्रतिरोध की जांच करने के लिए हमारा एक सामने एक चित्र में डायग्राम दिया गया है, इस चित्र का नाम को बताना है ये कौन सा डायग्राम है। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है उसको मेगर कहते हैं, एम्पियर मीटर बोलते हैं, वोल्ट मीटर बोलते हैं या वाट मीटर बोलते हैं। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए इसमें उच्च प्रतिरोध की जाँच करने के लिए इस उपकरण का आपको नाम कमेंट करना है। तो सभी साथी कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर कौन सा होगा, अगर जिस साथी ने इसके बारे में अगर पढ़ा है तो वो आसानी से कमेंट कर सकते, तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा, यानी हमारा क्या हो जाएगा मेगर इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी उच्च प्रतिरोध की अगर जांच करनी हो तो किसके द्वारा करेंगे, मेगर के द्वारा करेंगे, किसके, मेगर के द्वारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही, और कई बार एग्जाम में हर एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसका तो आप आसानी से राइट आंसर कमेंट कर सकते हैं। इसमें दिया गया कि विद्युत धारा की इकाई का मान बताना है, तो विद्युत धारा की यूनिट बताइए कौन सी होगी। देखिए ऑप्शन दिए गए एम्पियर, फेरेड, ओम या वोल्ट मीटर, तो सभी साथी बता सकते हैं इसका राइट आंसर। तो सभी कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा, जल्दी से कमेंट करें सभी साथी। काफ़ी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं, जो भी साथी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेगा उनका राइट आंसर हो जाएगा, यानी हमारा क्या होगा एम्पियर इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी विद्युत धारा की जो यूनिट होती है वो क्या होती है एम्पियर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर, ये रहा क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा। क्वेश्चन में दिया गया केबल के इंसुलेशन को साफ करने के लिए और तार की सतह को साफ करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो कौन से उपकरण का उपयोग करेंगे। देखिए ऑप्शन ए दिया गया हेक्सा, ऑप्शन बी दिया गया फर्मर चीजल, ऑप्शन सी आपका दिया इलेक्ट्रिशियन नाइफ, ऑप्शन डी दिया गया कॉम्बिनेशन प्लायर। तो इसमें से आपको कमेंट करना, सभी साथी कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए, जल्दी से कमेंट करें सभी साथी। जितने भी हमारे साथी वीडियो देख रहे सभी कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए। वीडियो को शेयर करते रहें और चैनल पर पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करना, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको नई वीडियो का तुरंत मिल जाएगा। तो बताएं इसका राइट आंसर। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका होगा इलेक्ट्रिशियन नाइफ के द्वारा हम क्या करते हैं कि केबल के इंसुलेशन को साफ करते हैं और तार की सतह को साफ करने के लिए हम इलेक्ट्रिशियन नाइफ का यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिशियन चाकू का यूज़ करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर, ये रहा क्वेश्चन को पढ़िएगा। क्वेश्चन में दिया गया ऊर्जा मीटर में डिस्क बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है, जो ऊर्जा मीटर रहता है उसमें जो एक डिस्क रहती है उसको बनाने के लिए किस मटेरियल का यूज़ करते हैं उसके बारे में पूछा गया। देखिए ऑप्शन ए दिया गया है कि एल्यूमिनियम का करेंगे, कॉपर का करेंगे या पीतल का करेंगे या जिंक का यानी जस्ते का करेंगे, तो बताइए सही साथी सभी कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए। तो जितने भी क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको एक बार नहीं दो बार अच्छे से इसको रिवाइज ज़रूर कर लेना। ठीक है, तो जल्दी से कमेंट करिए सभी साथी इसका राइट आंसर कौन सा होगा, क्योंकि ये आपके डिमांड पर ही हम वीडियो ला रहे हैं हर ट्रेड की। तो जल्दी से बताइए कमेंट करके इसका राइट आंसर। तो काफ़ी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा, यानी क्या होगा एल्यूमिनियम इसका राइट आंसर हो, यानी ऊर्जा मीटर में जो डिस्क बनाने में जो यूज़ करते हैं वो किसका करते हैं एल्यूमिनियम मटेरियल का यूज़ करते हैं। ठीक है, अच्छे से याद कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर, ये रहा क्वेश्चन में दिया गया जॉइंट का क्या नाम है। जैसे कि आपके सामने चित्र दिया गया है, इस जॉइंट का आपको नाम बताना, ये जॉइंट कौन सा है। देखिए ऑप्शंस दिए गए, ऑप्शन ए आपका दिया गया प्लेन टॉप जॉइंट दिया गया है, ऑप्शन बी दिया गया ब्रिटानिया जॉइंट दिया गया है, ऑप्शन सी आपका दिया गया ब्रिटानिया टी जॉइंट दिया गया, ऑप्शन डी दिया गया वेस्टर्न यूनियन जॉइंट दिया गया है। तो ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया, तो आप जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो सभी साथी कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर, जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए।
जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। काफ़ी साथी इसका राइट आंसर कमेंट भी कर रहे हैं। जो भी साथी इसका राइट आंसर सी कर रहे हैं उनका राइट आंसर हो जाएगा। इस जॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ब्रिटानिया टी जॉइंट बोलते हैं। क्या, ब्रिटानिया टी जॉइंट इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन में दिया गया सिंगल फेस मोटर के किस प्रकार के उच्च स्टार्टिंग टॉर्क होता है। तो सिंगल फेस मोटर की बात की गई है, तो ऑप्शन ए दिया गया स्थाई कैपेसिटर, ऑप्शन आपका बी दिया गया रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन रन होगा, ऑप्शन बी सी दिया गया कैपेसिटर प्रारंभ और कैपेसिटर रन होगा, ऑप्शन आपका डी दिया गया इंडक्शन स्टार्ट और इंडक्शन रन। तो इसमें से आपको बताना है सही कौन सा होगा, जो कि सिंगल फेस मोटर में जो उच्च स्टार्टिंग टॉर्क के लिए यूज़ किया जाता है, कौन सा कैपेसिटर यूज़ करेंगे। तो जल्दी से कमेंट करिए सभी साथी इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो काफ़ी स्टूडेंट का राइट आंसर कमेंट भी कर रहे हैं। जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर हो जाएगा। यानी क्या होगा, कैपेसिटर स्टार्ट एंड कैपेसिटर रन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ये रहा क्वेश्चन, आप आसानी से इसका कमेंट करके हमें बताइए कि गिमलेट के एक्स के रूप में चिन्हित जो भाग दिया गया, देख सकते हैं एक्स चिन्हित जो भाग है इसका आपको नाम कमेंट करना है। इसको सेंक बोलते हैं या फ्लूट बोलते हैं या हैंडल बोलते हैं या फीड स्क्रू बोलते हैं। तो जल्दी से कमेंट करिए, अगर आपने टूल्स के बारे में अगर पढ़ा तो आसानी से कमेंट करके बता सकते हैं इस भाग का क्या नाम होगा। तो जल्दी से कमेंट करें सभी साथी इसका राइट आंसर क्या होगा। तो काफ़ी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कमेंट भी कर रहे हैं। जो भी साथी इसका राइट आंसर अगर डी कर रहे हैं उनका राइट आंसर हो जाएगा, यानी क्या होगा यहाँ पर फीड स्क्रू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो, फीड स्क्रू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन पर फिर से आ चुका है। एग्ज़ाम में इसी तरह पैटर्न मिलेगा, बिल्कुल सेम टू सेम जो मैं आपको करवा रहा हूँ। तो क्वेश्चन दिए गए हैं कि विद्युत सर्किट में वोल्टेज और करंट और प्रतिरोध से संबंधित कौन सा लॉ होता है, मतलब कौन सा नियम इसके बारे में पूछा गया। देखिए ऑप्शन दिए गए, ओम का नियम, लेंज का नियम, न्यूटन का नियम या फैराडे का नियम। तो आप आसानी से कमेंट कर सकते हैं किस में वोल्टेज और करंट और प्रतिरोध किस में संबंधित है। तो आप आसानी से बता सकते हैं अगर इसके बारे में अगर थोड़ा सा भी पढ़ रखा है। तो जल्दी से कमेंट करिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो काफी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। यानी क्या होगा, ओम का नियम जो होता है क्या होता है हमारा, वी बराबर आई आर होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, वी मतलब वोल्टेज, आई मतलब धारा और आर मतलब प्रतिरोध, ये इससे संबंधित होता है, किससे, ओम के नियम से। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में दिया गया कि इंडक्टेंस की इकाई, यानी कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ इंडक्टेंस, मतलब इंडक्टेंस की इकाई के बारे में पूछा गया है। तो देखिए ऑप्शन से दिए गए, ऑप्शन ए आपका दिया गया ओम दिया गया है, ऑप्शन बी हेनरी दिया गया, ऑप्शन सी फैराड दिया गया, ऑप्शन डी आपका दिया गया एम्पियर। तो इसमें से आपको कमेंट करना है कि इंडक्टेंस की यूनिट यानी इकाई क्या होगी। तो कमेंट करके बताइए, अगर आपने जितनी भी यूनिट हैं आपकी बुक में अगर पढ़ रखा है तो आसानी से कमेंट कर सकते हैं इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। जल्दी से कमेंट करें और वीडियो को ज़रूर शेयर करते चलें, जबकि हम आपके लिए इतने मेहनत कर रहे हैं तो आपका भी फर्ज बनता है वीडियो को स्टडी ग्रुप में, जिससे कि अन्य छात्रों को भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। तो जल्दी से कमेंट करिए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो काफ़ी साथ इसका राइट आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी जो भी कर रहा है उनका राइट आंसर हो जाएगा, यानी हमारा क्या हुआ, हेनरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी इंडक्टेंस की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, हेनरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपकी स्क्रीन पर, ये रहा क्वेश्चन में दिया गया है कि घटक का नाम क्या है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ कंपोनेंट, यानी इस जो चित्र में दिया गया इस कंपोनेंट का नाम बताना। देखिए ऑप्शन दिए गए, ट्रांजिस्टर बोलेंगे, कैपेसिटर बोलेंगे या इंडक्टर बोलेंगे या रजिस्टर बोलेंगे। तो इसको बताइए क्या बोलेंगे, चार ऑप्शन में से सही कमेंट करके जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए। तो सभी साथी कमेंट करेंगे, जितने भी स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं सभी कमेंट करता चलें, चाहे आप गलत करें चाहे सही करें। अब यहाँ अगर गलतियाँ कर लेंगे सुधार हो सकता है, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ कि CVT एग्ज़ाम में एक बार गलती कर दी तो वहाँ पर आपका नंबर कट हो जाएंगे। तो इसलिए जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर हो जाएगा। यानी क्या हुआ, इंडक्टर जो होता है, ये हमारा जो डायग्राम दिया है इसको बोलते हैं इंडक्टर बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ये रहा क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन में दिया गया है कि डायोड बनाने के लिए किस सेमी कंडक्टर पदार्थ का उपयोग किया जाता है, माने कि विच सेमी कंडक्टर मटेरियल इज़ यूज्ड टू मेक डायोड्स,
मतलब मैंने आपको हिंदी कमेंट कर दिया है हिंदी में ट्रांसलेट, तो ऑप्शन से दिए गए, ऑप्शन दिया गया फर्स्ट इस्पात होना चाहिए, सिलिकॉन होना चाहिए, तांबा होना चाहिए, एल्यूमिनियम होना चाहिए। तो डायोड बनाने के लिए किस सेमीकंडक्टर का यूज़ करेंगे, तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा, कौन सा मटेरियल सही होगा। तो सभी साथी कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो काफ़ी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कमेंट भी कर रहे हैं, जो भी साथी ऑप्शन नंबर बी से अगर जा रहा है वो उनका राइट आंसर हो जाएगा, यानी क्या होगा हमारा सिलिकॉन इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब डायोड बनाने के लिए किस सेमीकंडक्टर का यूज़ करेंगे, हम सिलिकॉन मटेरियल का यूज़ करेंगे, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, यह रहा क्वेश्चन में, यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन में दिया गया, जेनर डायोड बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पर भी इसी के बारे में पूछा गया, यहाँ जेनर डायोड बनाने में पूछा, और यहाँ देखिए पिछले क्वेश्चन पूछा गया था डायोड बनाने के लिए, ठीक है, तो इसमें थोड़ा डिफरेंट है, आप बिल्कुल ध्यान रखना है। तो इसमें लेड है, सिलिकॉन है, या टाइटेनियम या प्लेटेनियम, तो जल्दी से कमेंट करिए जेनर डायोड बनाने के लिए किस पदार्थ यानी किस मटेरियल का यूज़ करेंगे। तो सभी साथी कमेंट करें इसका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए, तो जल्दी से कमेंट करके बताएंगे, और वीडियो को शेयर जल्दी करते जाएं अपने स्टडी ग्रुप में। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर इसका भी हो जाएगा, यानी क्या होगा सिलिकॉन का भी हम यूज़ करेंगे जेनर डायोड बनाने में, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ये रहा, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में दिया है घटक का नाम क्या है, मतलब कि कहने का ये कंपोनेंट एक चित्र दिया गया है, इस कंपोनेंट का आपको नाम बताना, ये कंपोनेंट कौन सा है। तो देखिए ऑप्शन एक दिया गया आपको यहाँ पर, करंट को सीमित करता है, ऑप्शन बी दिया गया है कि वोल्टेज को नियंत्रित करता है, ऑप्शन सी दिया गया है प्रतिबाधा से मेल खाता है, ऑप्शन डी दिया गया है प्रतिक्रिया को बढ़ाता है। तो जल्दी से कमेंट करके बताएंगे सभी साथी इस कंपोनेंट का क्या यूज़ है, तो जल्दी से कमेंट करें सभी साथी, आपको 5 सेकंड देता हूँ उसके लिए, तो जल्दी से कमेंट करेंगे सभी साथी इसका राइट आंसर कौन सा होगा। अगर आपने इसके बारे में अगर थोड़ा पढ़ा रखा है किताब से, बुक से, या फिर अपने ITI में, तो आप आसानी से कमेंट कर सकते हैं। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर हो जाएगा, यानी क्या हुआ लिमिट करंट, यानी कि करंट को सीमित करता है, जो आपको कंपोनेंट दिया गया ये क्या करता है, करंट को सीमित करता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन को दिया गया है कि AC को DC पावर सप्लाई में परिवर्तित करने के लिए कौन सी प्रक्रिया शामिल है, यानी कि आपको कहने का मतलब है कि AC को अगर DC पावर सप्लाई में परिवर्तित करना या कन्वर्ट करना है तो कौन सी प्रक्रिया यूज़ करेंगे। देखिए ऑप्शन ए दिया गया, इन्वर्शन करेंगे, रेगुलेशन करेंगे, या कन्वेंशन करेंगे, या रेक्टिफिकेशन करेंगे, तो इसमें से सही कौन सा ये आपको कमेंट करके बताना है। आपने अगर नेवी पैटर्न को अच्छे से पढ़ रखा है, सारे क्वेश्चंस अगर आपने याद कर लिए हैं, तो आप आसानी से इसका राइट आंसर कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम बिल्कुल मतलब 10 तारीख से सबके स्टार्ट हो जाएंगे। आप जितना हो सके मॉक टेस्ट के जरिए आप प्रिपरेशन करिए कि आपको कितना स्क्वायर होता है, आप कितना अटैम्प्ट कर पा रहे हैं, तो आपको मैं डेली ये क्वेश्चन प्रोवाइड कराता रहूँगा जब तक एग्ज़ाम एंड ना हो जाए, ठीक है। तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, सभी साथी जो भी कर रहे हैं ऑप्शन नंबर डी कर रहे हैं उनका राइट आंसर हो जाए, यानी क्या हुआ रेक्टिफिकेशन इसका राइट आंसर होगा, क्या हुआ रेक्टिफिकेशन इसका करेक्ट आंसर हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपकी स्क्रीन पर, ये रहा क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा, क्वेश्चन में दिया गया ऑक्सीएसिटिलीन वेल्डिंग सेट में एसिटिलीन होस पाइप का रंग क्या होता है, मतलब जो होस पाइप होता है उसका रंग यानी कलर के बारे में पूछा गया। देखिए ऑप्शन ये दिया, मेहरून कलर का होगा, ग्रीन कलर का होगा, या ब्लैक कलर का होगा, या रेड कलर का होगा, तो जल्दी से कमेंट करके बताइए इसमें से सही कौन सा है, सभी साथी कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए, तो जल्दी से कमेंट करें सभी साथियों, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टडी ग्रुप में ज़रूर शेयर करें, तो जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर। तो काफ़ी स्टूडेंट्स का राइट आंसर जो भी करेगा ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर हो जाएगा, यानी क्या कहा मेहरून इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपकी स्क्रीन पर, ये रहा क्वेश्चन को अच्छे से देखिए, क्वेश्चन में दिया गया है सिंगल फेस मोटर में किस तार को पतली तार से बनाया जाता है, तो किस पतली तार से बनाया जाता है, तो ऑप्शन ए दिया मेन दिया गया, सीरीज दिया गया, स्टार्टिंग को दिया गया, ऑप्शन डी दिया गया रनिंग को, मतलब किसको बनाएंगे, तो जल्दी से कमेंट करें सिंगल फेस मोटर में किस तार को पतली तार से बनाया जाता है। देखिए जल्दी से कमेंट करिए, और इंग्लिश में दिया विच वाइंडिंग इज मेड ऑफ थिन वायर इन सिंगल फेस मोटर, तो कमेंट करके बताइए सभी साथी कौन सी वायर को बनाएंगे।
तो जल्दी से कमेंट करेंगे सभी साथी इसका राइट आंसर। काफ़ी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं, जो भी सी कर रहा है उनका राइट आंसर हो जाए, यानी स्टार्टिंग वाइंडिंग को हम क्या करते हैं पतली तार से बनाया जाता है स्टार्टिंग वाइंडिंग को, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, अगर आपने इस फार्मूले को अगर पढ़ रखा है इस बुक से, अन्य भी पैटर्न को भी अच्छे से याद कर रखा है, तो आप आसानी से कमेंट कर सकते हैं। देखिए ऑप्शन इसमें दिया, प्रतिशत में थ्री फेस इंडक्शन मोटर के स्लिप ज्ञात करने के लिए किस सूत्र का उपयोग करेंगे। सूत्र का फार्मूला पूछा गया, ऑप्शन ए दिया गया, बी दिया गया, सी और डी। इनमें से सही कमेंट करके बताएं सभी साथी कौन सा होगा, आपको 5 सेकंड देता हूँ उसके लिए। तो जल्दी से कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर कौन सा होगा, सभी साथी कमेंट करें जल्दी से। तो काफ़ी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं, जो भी साथी कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी उनका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कौन सा होगा NS माइनस NR अपॉन NS इंटू 100, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन में दिया गया है कि कंप्रेसर मोटर के टर्मिनलों की पहचान करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, कौन से उपकरण का उपयोग करेंगे। देखिए ऑप्शन ए दिया गया, अमीटर दिया गया, वाट मीटर दिया, वोल्ट मीटर दिया गया, ऑप्शन सी आपका दिया गया ओम मीटर दिया गया, ऑप्शन डी है अमीनोमीटर दिया गया। तो इसमें से सही उपकरण कौन सा ये आपको कमेंट करना, तो जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा। और सभी साथी कमेंट करेंगे, जितने भी साथी वीडियो देख रहे हैं सभी कमेंट करेंगे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टडी ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। इसका कोई पेमेंट या पैड प्रमोशन नहीं हो रहा है, ठीक है, फ्री में आपको मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ क्लासेस, ठीक है। क्योंकि जब हम आपके लिए इतनी एक घंटे की अगर मेहनत कर सकते हैं, तो आपका फ़र्ज बनता है वीडियो को ज़रूर शेयर करें अपने स्टडी ग्रुप में, ठीक है। तो जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा, यानी क्या होगा ओम मीटर इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा ओम मीटर, जो कि कंप्रेसर मोटर के टर्मिनलों की अगर पहचान करनी है तो किसके द्वारा करेंगे, ओम मीटर के द्वारा करेंगे, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन में दिया गया घरेलू रेफ्रिजरेटर के लिए किस प्रकार के कंप्रेसर का उपयोग किया जाता है, जो मतलब जो घरेलू रेफ्रिजरेटर होता है वहाँ पर हम किस प्रकार के कंप्रेसर का यूज़ करेंगे इसके बारे में पूछा गया। देखिए ऑप्शन ए दिया सेमी सील कंप्रेसर, ऑप्शन सी आपका दिया गया सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर का करेंगे, ऑप्शन सी आपका दिया गया हार्मेटिक कंप्रेसर का, ऑप्शन डी दिया गया ओपन टाइप कंप्रेसर। तो इसमें से सही कौन सा ये आपको कमेंट करके बताना, अगर आपने पूरी निमी पैटर्न को अच्छे से पढ़ रखा है तो आप ये मान के चलिए इनको आसानी से कर सकते हैं। तो एक एग्जाम में एनिमी पैटर्न से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, तो जल्दी से कमेंट करिए सभी साथ इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो काफ़ी साथ इसका राइट आंसर कर रहे हैं, जो भी सी करेगा उनका राइट आंसर हो जाएगा, यानी क्या होगा हार्मेटिक कंप्रेसर का यूज़ करते हैं घरेलू के लिए, ठीक है, डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। क्वेश्चन को दिया गया है कि इंडक्शन मोटर का घूमने वाला भाग कौन सा है, जो इंडक्शन जो मोटर होता है उसमें जो घूमने वाला पार्ट होता है वो कौन सा है। तो देखिए ऑप्शन है स्टेटर है, रोटर है, रिले है या वाइंडिंग, ये तो सभी आसानी से कमेंट करके बता सकते हैं इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो सभी साथी कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर, जल्दी से बताएं राइट आंसर कौन सा होगा, जल्दी से कमेंट करें सभी साथी, 5 सेकंड देता हूँ आपको, जल्दी से कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर। तो काफ़ी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर। आपने देखा होगा कि जो इंडक्शन मोटर में जो घूमने वाला जो पार्ट होता है वो क्या होता है, रोटर इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा रोटर इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा। क्वेश्चन में दिया जो कंप्रेसर प्रेशर परीक्षण करने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है, कौन सी गैस का उपयोग करेंगे इसके बारे में पूछा गया। देखिए ऑप्शन ए दिया गया एयर दिया गया, ऑक्सीजन दिया गया, नाइट्रोजन दिया गया और रेफ्रिजरेट दिया गया। तो इसमें से सही कौन सा ये आपको कमेंट करना, तो जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए, सभी साथी कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो जल्दी से कमेंट करें इसका राइट आंसर, आपको 5 सेकंड देता हूँ, तो जल्दी से कमेंट करके बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। तो काफ़ी साथ इसका राइट आंसर कमेंट भी कर रहे हैं,
तो जो भी कर रहा है ऑप्शन नंबर सी उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि नाइट्रोजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन पर आया क्वेश्चन को पढ़िएगा। क्वेश्चन में दिएगा थ्री फेस स्लिप रिंग इंडक्शन जो होता है मोटर शुरू करने की विधि क्या है। तो शुरू करने वाली विधि क्या है इसके बारे में पूछा गया। ऑप्शन ए दिया गया है कि रिले शुरू करने के साथ, ऑप्शन आपका बी दिया गया संधारित्र का उपयोग करना, ऑप्शन डी दिया गया है विथ रनिंग का जो कैपेसिटर यानी कि रनिंग कैपेसिटर के साथ, ऑप्शन आपका डी दिया गया है कि रोटर घुमावदार के लिए प्रतिरोध जोड़ना। तो इसमें से सही कौन सा ये आपको कमेंट करके बताना चार ऑप्शन में से। तो कमेंट करते चलें इसका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए चार ऑप्शन में, सभी साथी जितने भी स्टूडेंट वीडियो देखते रहें और कमेंट करते रहें फटाफट जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर डी जा रहे हैं वो उनका सही हो जाएगा, यानी क्या होगा हमारा रोटर घुमावदार के लिए प्रतिरोध जोड़ना, यानी एडिंग रेजिस्टेंस टू रोटर वाइंडिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद कर लेना। चलिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन को देखिए। इंडक्शन मोटर का समकालिक गति का पता लगाने का सूत्र, अगर आपने बुक में अगर इसका सूत्र को फार्मूले को पढ़ रखा है और इससे एक फार्मूले से बेस्ड एक न्यूमेरिकल बिल्कुल आता ही आता है एग्ज़ाम में और बिल्कुल सिंपल रहता है, आसानी से कर सकते हैं। तो जल्दी से बताइए इसमें से फार्मूला, वो सही फार्मूला कौन सा है कमेंट करिए, चार ऑप्शन में से कौन सा होना चाहिए। 5 सेकंड देता हूँ, जल्दी से कमेंट करिए इसका राइट आंसर। तो काफ़ी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा, यानी क्या होगा NS बराबर होता है 120 F/P का राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आपके स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा। एग्जाम में भी बिल्कुल हड़बड़ाना मत, क्वेश्चन को देखकर हड़बड़ा जाते हैं कि क्वेश्चन आते जो आता है वो भी भूल जाते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन दिया गया थ्री फेस इंडक्शन मोटर में जो रोटेशन की दिशा को हम कैसे बदलेंगे, जो थ्री फेस इंडक्शन मोटर रहता है उसके जो घूमने की यानी रोटेशन मतलब घूमने की अगर दिशा को अगर चेंज करना है तो किसके द्वारा चेंज कर सकते हैं इसके बारे में पूछा गया। देखिए ऑप्शन ए दिया गया चेंज न्यूट्रल या चेंज ऑल फेस, ऑप्शन सी आपका दिया गया चेंज एनी टू फेस, ऑप्शन डी दिया गया है चेंज वाइंडिंग ओनली। तो इसमें से सही कौन सा आपको कमेंट करना है। तो किसके द्वारा हम थ्री फेस इंडक्शन मोटर का रोटेशन या रोटेशन की दिशा को चेंज कर सकते हैं, घूमने की दिशा को चेंज कर सकते हैं, तो कमेंट करके बताएंगे सभी साथी इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। तो जो भी साथी इसका अगर राइट आंसर सी पर जा रहे हैं तो उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी हमारा क्या हुआ चेंज एनी टू फेस, मतलब ऐसे दो फेस को अगर आपस में कोई भी दो फेस हैं अगर आप उनमें से अगर चेंज कर देंगे तो क्या होगा थ्री फेस इंडक्शन मोटर का क्या हुआ रोटेशन की दिशा चेंज हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपकी स्क्रीन पर यह रहा, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा। क्वेश्चन में दिया गया डायरेक्ट कूल रेफ्रिजरेटर में कंडेंसर का उपयोग किस प्रकार किया जाता है। तो किस प्रकार करेंगे, देखिए ऑप्शन ए दिएगा फिन और ट्यूब, ऑप्शन बी दिया गया सेल और ट्यूब दिया गया, ऑप्शन सी आपका दिया है वायर मेस दिया गया, ऑप्शन आपका डी दिया ट्यूब मतलब ट्यूब में ट्यूब। तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट करना सही कौन सा हुआ जो कि डायरेक्ट कूल रेफ्रिजरेटर में कंडेंसर का उपयोग किया जाता है। तो इसमें आपको कमेंट करना चार ऑप्शन में सही ऑप्शन कौन सा होगा, तो कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो काफ़ी साथी इसका राइट आंसर कमेंट भी कर रहे हैं, कुछ गलत भी कर रहे हैं। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर अगर सी कर रहे हैं उनका राइट आंसर हो जाएगा, यानी हमारा क्या होगा वायर मेस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या होगा वायर मेस इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन में दिया गया कि आधुनिक रेफ्रिजरेटर में किस प्रकार की इंसुलेशन सामग्री का उपयोग किया जाता है, मतलब इंसुलेशन सामग्री यानी मटेरियल का पूछा गया है। तो देखिए ऑप्शन फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि सॉ डस्ट, ऑप्शन ए दिया गया, ऑप्शन बी आपका दिया गया ग्लोस बूल दिया गया, ऑप्शन आपका सी दिया गया थर्मोकोल, ऑप्शन डी दिया गया पॉली यूरीथेन फॉर्म दिया गया। तो इसमें से बताना इंसुलेशन सामग्री का उपयोग कौन सी सामग्री का करेंगे, तो सभी साथी कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर, जल्दी से कमेंट करें इसका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए, सभी साथी कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टडी ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शेयर करें, इसका कोई पेड चार्ज नहीं है, फ्री ही क्लासेस आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। जब आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आप वीडियो को शेयर ज़रूर करें।
तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं 52 का ऑप्शन नंबर जो भी डी करेगा उनका राइट आंसर हो जाएगा, यानी हमारा क्या होगा पॉलीयूरीथेन फॉर्म इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छे से याद कर लेना पॉलीयूरीथेन फॉर्म इसका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन में दिया गया कंडेंसर क्वाइल पेंटिंग के लिए किस रंग का उपयोग किया जाता है, तो रंग का बारे में पूछा गया। देखिए ग्रीन दिया गया, ब्लैक दिया गया, ब्लू दिया गया और रेड दिया गया, तो इसमें से सही रंग कौन सा ये आपको कमेंट करना है। जो कंडेंसर कॉइल पेंटिंग के लिए कौन सा रंग यूज़ करेंगे तो जल्दी से कमेंट करें सभी साथी इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो काफ़ी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कमेंट भी कर रहे हैं, कुछ गलत भी कर रहे हैं, तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर हो जाएगा, यानी क्या होगा हमारा काला इसका यानी ब्लैक इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपकी स्क्रीन पर, ये रहा क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा। क्वेश्चन में दिया गया एक प्रशीतन प्रणाली में निर्जलीकरण कहाँ स्थापित किया जाता है, तो कहाँ पर स्थापित करेंगे। देखिए ऑप्शन ए दिया गया डिस्चार्ज लाइन दिया गया, ऑप्शन आपका बी दिया कैपिलरी लाइन दिया गया, ऑप्शन सी आपका दिया गया सेक्शन लाइन दिया गया, ऑप्शन डी आपका दिया गया लिक्विड लाइन दिया गया। तो इसमें से आपको सही कमेंट करना है कहाँ पर स्थापित करेंगे, तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा। सभी साथी कमेंट करते चलें जितने भी साथी वीडियो देख रहे हैं, और लास्ट तक जो स्टूडेंट बचा है वही मान के चलिए 101% एग्ज़ाम में क्वालिफाई कर पाएगा। तो जल्दी से कमेंट करें और लास्ट में हमें ये बताना कि 75 में से आपने कितना सही किया है। अपना थ्योरी का अलग लिख लेना, ES का अलग लिख लेना, WCS का अलग लिख लेना, सभी का अलग अलग, उसके बाद फिर आप जोड़ के बताना कितना सही हुआ, ठीक है। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं 62 का ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट आंसर हो जाएगा, यानी क्या हुआ हमारा लिक्विड लाइन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपके स्क्रीन पर, ये ना क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा। क्वेश्चन में दिया गया कि वाष्पीकरण में रेफ्रिजरेट का भौतिक परिवर्तन क्या है, भौतिक परिवर्तन के बारे में पूछा गया। जो वाष्पीकरण में देखिए यहाँ पर दिया गया तरल से ठोस, वाष्प को ठोस, ऑप्शन डी दिया गया है कि सॉरी ऑप्शन सी आपका तरल से वाष्प, ऑप्शन डी है वाष्प से तरल। तो इसमें से सही कौन सा ये आपको कमेंट करना है, तो कमेंट करके बताइए। अगर आपने इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ रखा तो आसानी से कमेंट कर सकते हैं इसका राइट आंसर। अगर नेमी पैटर्न के सारे क्वेश्चन अगर याद कर रखे तो भी आप बता देंगे, तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो काफ़ी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं, जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर हो जाएगा, यानी क्या होगा तरल से वाष्प इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा। क्वेश्चन में दिया गया कोशिका ट्यूब में रुकावट के कारण क्या है, मतलब जो कोशिका ट्यूब होती है उसमें रुकावट के कारण क्या है इसके बारे में पूछा गया है। तो देखिए ऑप्शन से दिएगा आपके स्क्रीन पर, ऑप्शन ए दिया गया, बी दिया गया, सी दिया और डी दिया गया। आपको 5 सेकंड देता हूँ, इसको अच्छे से पढ़िए और हमें कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो जल्दी से कमेंट करेंगे सभी साथ इसका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए। तो काफ़ी साथी इसका राइट आंसर कमेंट भी कर रहे हैं, तो जो भी कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी कर रहे हैं तो उनका राइट आंसर हो जाएगा, यानी क्या हुआ हमारा तेल से नमी और मोम इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छे से याद कर लेना तेल से नमी और मोम इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर गिरा, क्वेश्चन को अच्छे से देखिए। क्वेश्चन में दिया गया एक आदर्श रेफ्रिजरेट के लिए कौन सी गुण वांछनीय है, तो कौन सी गुण वांछनीय है। देखिए उच्च क्वथनांक दिया गया, ऑप्शन आपका बी दिया, उच्च हिमांक दिया गया, ऑप्शन आपका सी दिया गया, उच्च जो स्पेसी वॉल्यूम दिया गया, ऑप्शन आपका डी दिया गया, हाई टेलेनट हीट वैल्यू दिया गया। तो इसमें से सही कमेंट करके बताना वो कौन सा गुण होगा, तो कमेंट करिए सभी साथी इसका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट आंसर होगा, यानी उच्च लेटेनट हीट वैल्यूज का राइट आंसर होगा। चलिए अच्छे से याद कर लें ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ये रहा क्वेश्चन को देखिए। किस इंसुलेट सामग्री को तरल के रूप में डाला जाता है, तो किसको डाला जाता है, ग्लास बूल को, कॉर्क बोर्ड को, वुड शेप को, ऑप्शन आपका डी दिया गया पॉलीयूरेथेन फॉर्म को। तो इसमें से सही कौन सा ये आपको कमेंट करना है, तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो सभी साथी कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर कौन सा होगा।
तो जल्दी से कमेंट करें। तो सभी स्टूडेंट जो भी स्टूडेंट अगर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, तो उनका राइट आंसर हो जाएगा, यानी क्या होगा हमारा पॉलीयूरेथेन फॉर्म, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा आपका लास्ट क्वेश्चन है थ्योरी का, आपको इसमें से कमेंट करना है। क्वेश्चन दिया गया वायुमंडल में ओजोन परत कहाँ मौजूद है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए ऑप्शन ए दिया गया मेसोस्फीयर दिया गया, ऑप्शन बी दिया गया स्ट्रेटोस्फीयर दिया गया, ऑप्शन सी दिया गया लोनोस्फीयर दिया गया, ऑप्शन डी दिया गया एक्सपोस्फीयर दिया गया। जिसमें से सही कमेंट करिए कि वायुमंडल में जो ओजोन परत होती है वो कहाँ मौजूद होती है, इसके बारे में पूछा गया। तो सभी साथी कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर, और सभी को याद होना चाहिए, तो जल्दी से कमेंट करें इसका राइट आंसर। ये आपका थ्योरी का लास्ट क्वेश्चन है, तो जो भी साथी इसका राइट आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा, यानी स्ट्रेटोस्फीयर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसकी बात आपको WCS, ED और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के क्वेश्चन मिलने वाले हैं, तो विधिवत तरीके से पूरे अच्छे से अटेम्प्ट करना, आपको स्क्वायर करके बताना है कि थ्योरी में 38 में से कितना आया है, WCS में से कितना आया है, और ED में से कितना आया, और एम्प्लॉयबिलिटी स्कीम में से आपका कितना स्क्वायर हुआ। टोटल मिला के 75 क्वेश्चन है, तो टोटल मिला के आपका कितना स्क्वायर हुआ मैं कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, कंटिन्यू करते हैं। से देखिए वर्कशॉप कैलकुलेशन के जो आपके 6 क्वेश्चन आएंगे, इसके बाद आपके आएंगे ED के आएंगे, इसके बाद आपको मिलेंगे यहाँ पर ES यानी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के 25 क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ से मैंने वर्कशॉप कैलकुलेशन के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पर दिया गया, दोस्तों जितने भी मैं आपको ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन है, इसलिए आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से ध्यानपूर्वक एक बार एग्जाम से पहले पूरे वीडियो को ज़रूर देख के जाएँ, ठीक है। तो क्वेश्चन दिया गया देख सकते हैं स्क्रीन पर है, यहाँ पर दिया गया है कि साइन थीटा जो होता है किसके बराबर होता है, मतलब कि साइन थीटा का मान पूछा गया क्या होना चाहिए। देखिए ऑप्शन फर्स्ट हमारा दिया गया है विपरीत भुजा बटा कर्ण होगा, ऑप्शन बी हमारा दिया है कर्ण बटा विपरीत भुजा होगा, ऑप्शन सी हमारा दिया गया है कि आसन भुजा बटा कर्ण होना चाहिए, ऑप्शन डी हमारा दिया गया कर्ण बटा आसन भुजा होना चाहिए। तो जो साइन थीटा का मान अगर आपको आता है तो बहुत आसानी से आप कमेंट कर सकते हैं, और ये 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था, आप चाहें तो दे सकते हैं। तो जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर कौन सा होगा चार ऑप्शन में से। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर होगा, यानी ए इज करेक्ट आंसर, यानी जो साइन थीटा का जो मान होता है ये क्या होगा हमारा विपरीत भुजा बटा कर्ण होगा, क्या होगा विपरीत भुजा कर्ण होगा, इस तरीके से आप देख सकते हैं। ये हमारा कर्ण होता है, ये आसन्न भुजा होती है, और ये इसकी विपरीत भुजा होती है, मतलब जो हमारा साइन थीटा हुआ वो हुआ विपरीत भुजा बटा कर्ण होगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, अच्छे से कर लेना बिल्कुल ध्यानपूर्वक, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया, क्वेश्चन का आपको राइट आंसर कमेंट करना है कि ऊष्मा की SI इकाई क्या है, मतलब व्हाट इज़ द SI यूनिट ऑफ हीट, मतलब हीट मतलब ऊष्मा की SI इकाई के बारे में पूछा गया कि कैलोरी होगा, जूल होगा, या सेंटीग्रेड ऊष्मा इकाई होगा, या ब्रिटिश थर्मल इकाई होगा, जिसमें से आपको बताना होगा सही आंसर कौन सा होना चाहिए चार ऑप्शन में से। तो सभी साथी कमेंट करेंगे, जल्दी से कमेंट करके बताएं इसका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए चार ऑप्शन में से। जितने भी हमारे साथी देख रहे हैं सभी वीडियो में कमेंट करेंगे कौन सा राइट आंसर होना चाहिए, और वीडियो को ज़रूर शेयर करें, जब हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो वीडियो शेयर करने में बिल्कुल कंजूसी ना करें। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं हमारा 114 का ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर हो, क्या होगा बी करेक्ट आंसर होगा, यानी हमारा जूल इज़ राइट आंसर होगा, मतलब ऊष्मा की जो SI यूनिट होती है वो क्या होती है जूल, इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दिया आपको स्क्रीन पर, ये रहा क्वेश्चन, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी आपकी प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया 2022 में भी और 21 में, आप देख सकते हैं जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूँ ऑथेंटिक क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो आपकी एग्जाम ओरिएंटेड है, पूरा के पूरा CBT एग्जाम बेस्ड आपको ये मैंने पूरा सिलेबस करवाया, इसमें 75 क्वेश्चन मिलेंगे, आप अपना स्कोर जरूर हमें कमेंट करना क्योंकि आपका इतना स्कोर हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन दिया गया कि ब्रिटिश सिस्टम में एक हार्स पावर में कितने वाट होते हैं, मतलब एक HP में कितने हार्स पावर मतलब कितने वाट होते हैं इसके बारे में पूछा गया है। तो देख सकते हैं फर्स्ट हमारा दिया गया 726 वाट होना चाहिए, 736 वाट होना चाहिए, 746 वाट हो जाना चाहिए, या 756 वाट होना चाहिए, इसमें से सही आपको आंसर कमेंट करना है। तो सभी कमेंट करके बताएंगे इसका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए। तो जो भी साथी हमारे इसका राइट आंसर कर रहे हैं 103 का सी इज राइट आंसर होगा, यानी कितने वाट होगा 746 वाट होगा, मतलब 1 HP बराबर कितना होता है हमारा 746 वाट इज राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो क्वेश्चन में दिया गया है यहाँ पर देखिए कि किसी तापमान पर
कोई अगर ठोस द्रव में पिघलता है, मतलब किसी टेम्परेचर पर क्या होता है, अगर कोई ठोस जो है द्रव में पिघलेगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्वथनांक बोलेंगे, गलनांक बोलेंगे, या फ्यूज़न की गुप्त ऊष्मा बोलेंगे। ऑप्शन हमारा डी दिया गया, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा बोलेंगे। तो इसमें से सही कौन सा, ये आपको कमेंट करना है, तो जल्दी से कमेंट करके बताएंगे इसका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए चारों में से। और सभी साथी कमेंट करेंगे, जितने भी हमारे स्टूडेंट देख रहे हैं सभी कमेंट करके बताएं इसका राइट आंसर। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं, हमारा 149 का ऑप्शन नंबर बी उनका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसको हम क्या बोलते हैं, गलनांक इसका करेक्ट आंसर होगा। अच्छे से याद लेना, जो ठोस का क्या होता है, जो ठोस रहता है ना, जो ठोस का द्रव में बदलना क्या कहलाएगा, गलनांक कहलाएगा। अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि एक इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं। तो देखिए ऑप्शन, वो आप कमेंट करके बताइए इसमें से कितना मिलीमीटर होगा, मतलब एक इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं, ये तो आसानी से आप बता सकते हैं। तो जल्दी से कमेंट करके बताएं इसका राइट आंसर। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर करेंगे, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा, यानी हमारा क्या होगा, कितना होता है, 25.4 mm, यानी मिलीमीटर्स का राइट आंसर, मतलब एक इंच में कितना होता है, 25.4 mm का राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन जितने भी हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए बिल्कुल ध्यानपूर्वक वीडियो को एंड तक देखना, ठीक है। क्वेश्चन दिया गया, किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, मतलब कोई कंडक्टर है, कोई चालक है, उसमें अगर कोई इलेक्ट्रॉन अगर प्रवाह कर रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, वोल्टेज बोलेंगे, या धारा बोलेंगे, या प्रतिरोध बोलेंगे, या फिर शक्ति बोलेंगे। इसमें से आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या होगा, और ये तो आसानी से आप बता सकते हैं इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए चार ऑप्शन से। सभी साथी कमेंट करके बताएंगे। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं बी, उनका राइट आंसर हो जाएगा, यानी क्या होगा, करंट इसका यानी धारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, आप यहाँ से आपके इंजीनियरिंग ड्राइंग के 6 क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पर मैंने आपके ये क्वेश्चन तैयार किया, फुल टेस्ट, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। इसमें देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि सामग्री के पारंपरिक प्रतीक को पहचाने। तो जैसे कि आपके सामने एक प्रतीक चिन्ह दिया गया, एक चित्र दिया गया है, इसको आपको पहचानना है इसका नाम क्या होना चाहिए, यानी कांच होगा या लकड़ी होगा या इस्पात होगा या ठोस होगा। तो इसमें से आपको बताना होगा राइट आंसर कौन सा होगा। तो सभी साथी कमेंट करेंगे, जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए चार ऑप्शन से। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर सही कर रहे हैं डी, उनका करेक्ट हो जाएगा, यानी इसको क्या बोलेंगे, ठोस। ये क्या है, सभी ठोस के कण, जैसे छोटे छोटे कण दिखा रहे हैं आपको, ये कैसे कण होंगे, ठोस। इसका राइट आंसर क्या होगा, ठोस इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ जाओ, क्वेश्चन में दिया गया है कि उपकरण का नाम पहचाने। जैसे कि आपके सामने एक डायग्राम दिया गया, और एग्जाम में 101% टूल से संबंधित एक या दो डायग्राम पूछे जाएंगे, उसका नाम पूछा जाएगा कौन सा डायग्राम है। तो इसलिए आप सारे के सारे जितने भी डायग्राम टूल्स हैं उनको अच्छे से जरूर पढ़ लेना, एग्जाम में 101% आएंगे। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट दिया गया, उड्डयनी मतलब कर्तनी होना चाहिए, ऑप्शन बी हमारा कटिंग प्लायर होना चाहिए, ऑप्शन सी हमारा दिया गया डबल काटने कर्तनी होना चाहिए, ऑप्शन डी दिया गया हमारा हॉक बिल सीयर होना चाहिए। तो इसमें से सही कौन सा, ये आपको गेस करके बताना। तो सभी साथी कमेंट करके बताएंगे इसका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए चार ऑप्शन में से। जितने भी हमारे साथी देख रहे हैं वीडियो सभी कमेंट करेंगे। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर करके आएंगे, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा, यानी कि इसको हम क्या बोलेंगे, कटिंग प्लायर। जैसे कि आपके सामने ये दिए गए, कटिंग प्लायर बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे, कटिंग प्लायर इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में दिया गया, चित्र में दिखाए गए प्रिज्म का नाम क्या है। जैसे कि आपके सामने एक प्रिज्म दिखाया गया है, ये किस प्रकार का प्रिज्म है, इसका नाम बताना। ये पंचकोणीय प्रिज्म है, या हेक्सागोनल प्रिज्म है, या स्क्वायर प्रिज्म है, या त्रिकोणीय प्रिज्म है। आपको सही कमेंट करके बताना है कौन सा प्रिज्म है। तो सभी साथी कमेंट करके बताएंगे इसका राइट आंसर, जल्दी से कमेंट करें इसका कौन सा सही होना चाहिए। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर करके आएंगे, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा, यानी हेक्सागोनल, मतलब हेक्सागोनल प्रिज्म होगा, ठीक है। इसको अच्छे से याद करना, क्या है हेक्सागोनल क्यों कहते हैं इसकी, क्योंकि हेक्सा मतलब छः भुजाएं दी हैं, देखो एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा, पांच भुजा, छः भुजा, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, हेक्सागोनल प्रिज्म बोलते हैं, ठीक है, अच्छे से याद कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन में पूछा गया, चित्र में दिखाए गए सामग्री के पारंपरिक प्रतीक का पता लगाएं। तो सामने एक डायग्राम दिया गया, इस प्रतीक का आपको नाम बताना क्या होना चाहिए। तो देख सकते हैं, लेड दिया गया है, लकड़ी दिया गया है, ये कागज़ होगा या कांच होगा। तो ये कौन सा
प्रतीक चिन्ह दिया गया, इसका नाम सभी साथी कमेंट करके बताएंगे इसको क्या बोलेंगे। अगर आपने थोड़ा सा भी अगर अपने चित्र और डायग्राम अपनी बुक से में देखे होंगे तो आसानी से इसका नाम बता सकते हैं। तो जल्दी से कमेंट करें सभी साथी इसका राइट आंसर। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर, इसको हम क्या बोलेंगे, लकड़ी इसका करेक्ट आंसर यानी वुड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है, इस तरीके के एग्जाम में आपको डायग्राम पूछे जाएंगे, ठीक है। इसमें दिया गया एसआई मानक के अनुसार कौन सा डायग्राम आयाम सही है, तो सही डायग्राम बताना है जो आप अगर आपने इंजीनियरिंग ड्राइंग में अगर सही ड्राइंग अगर बनाते होंगे तुम्हारे अगर आपके टीचर ने अगर बनाया होगा तो इसमें से आप आसानी से कमेंट कर सकते हैं। तो कौन सा सही डायग्राम होना चाहिए, तो दे सकते हैं ऑप्शन ए दिया गया, बी दिया गया, सी दिया गया, डी दिया गया, इसमें से सही ड्राइंग का आयाम बताना। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर होगा, यहाँ पर दे सकते हैं ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो आसानी से कर देना, इस तरह से देखना कि आपने अगर अपने टीचर से अगर डायग्राम अगर सीखा है ड्राइंग का तो आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में दिया गया है कि उपकरण का नाम पहचाने, उपकरण का नाम दिया गया है आपके सामने, एक चित्र दिया गया है, इस उपकरण का नाम बताना है। तो इसे से आप आसानी से देख रहे होंगे क्या है इसका नाम, बॉल पिन हैमर हैगा या क्रॉस पिन हैमर होगा या जो स्लेज हैमर होगा या सीधे पिन है तौड़ा होगा, तो इसमें से कौन सा सही होगा, तो कमेंट करके बताएं सभी साथी इसका राइट आंसर। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर हमारे कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए उनका राइट आंसर हो जाएगा। इस जो हैमर दिया गया इसको हम बोलते हैं बॉल पिन हैमर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों ये हमारा अगला क्वेश्चन है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का, और स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपका दिया गया फर्स्ट कि अच्छे करियर के विकास के लिए कौन से दो कौशल आवश्यक हैं, तो कौन से दो कौशल आवश्यक हैं जो अच्छे करियर विकास के लिए, इसके बारे में पूछा गया। तो आप देख सकते हैं आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला दिया गया है कि गायन, नृत्य, बागवानी, और ऑप्शन डी हमारा दिया गया तकनीकी कौशल और रोजगार कौशल। तो आपको बताना इसमें से सही आंसर कौन सा होना चाहिए, तो सभी साथी कमेंट करके बताएंगे इसमें से दो कौशल कौन से होंगे जो आपको अच्छे करियर के विकास के लिए आवश्यक हैं। तो जल्दी से कमेंट करके बताएं सभी साथी। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर डी उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी हमारा क्या होगा तकनीकी कौशल और रोजगार कौशल इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है कि जब हम ऑनलाइन को सीखते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, जब हम कोई भी ऑनलाइन कोई काम सीखते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, अनलर्निंग कहेंगे या शिक्षण कहेंगे या ई लर्निंग कहेंगे या मार्केटिंग कहेंगे। तो देखिए यहाँ पर अनलर्निंग ये तो होगा नहीं, शिक्षण भी होगा नहीं और मार्केटिंग भी होगा नहीं, तो यहाँ पर कौन सा राइट आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर, इसको बोलते हैं ई लर्निंग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ई लर्निंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सी नंबर आंसर करेक्ट होगा, अच्छे से याद कर लेना। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में दिया गया है कि इनमें से कौन सा रोजगार कौशल पोर्टल है, मतलब जो रोजगार का जो रोजगार देता है उसका कौन सा पोर्टल, उसका नाम बताना है, कि फेसबुक तो दोस्तों होगा नहीं, ठीक है, भारत कौशल ये ज़रूर आपका राइट आंसर हो जाएगा, बाकी छोड़िए अब यहीं पर मिल गया आंसर तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, यानी क्या हुआ भारत कौशल जो हमारा क्या है एक रोजगार कौशल पोर्टल है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में दिया गया है कि मूल्य और नैतिकता हमें अच्छा बनाने में मदद करती है, कैसे बनवाएगी, बनाने मदद करा खेल में, व्यवहार में, या अध्ययन करते हैं, या किराया, तो इसमें से सही कमेंट करना आपको कौन सा राइट होना चाहिए, तो सभी साथी कमेंट करके बताएंगे इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, यानी क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी हमारा व्यवहार, मतलब मूल्य और नैतिकता जो हमको एक अच्छा बनाती है वो किस में बनाती है, व्यवहार बनाने में मदद करती है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन में दिया गया है जो व्यक्ति किसी देश के कानून का सम्मान करता है और उसका पालन करता है उसको हम क्या कहेंगे, मतलब कोई अगर व्यक्ति है जो देश के कानून का अगर सम्मान करता है और उसका पालन करता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, व्यापारिक व्यक्ति बोलेंगे या बुरा कर्मचारी बोलेंगे या जिम्मेदार नागरिक बोलेंगे या छोटा बच्चा बोलेंगे, तो आपको इसमें से कमेंट करना, सही कमेंट करके बताना, ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर चार ऑप्शन से कौन सा होगा।
तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाए, यानी कि हुआ हमारा जिम्मेदार नागरिक, मतलब जो जो व्यक्ति देश के कानून का सम्मान करता है और पालन करता है उसको हम बोलते हैं जिम्मेदार नागरिक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन को अच्छे से ध्यानपूर्वक देखना, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया गया संविधान को कहा जाता है, मतलब संविधान को किस नाम से और जाना जाता है, इसके बारे में पूछा गया कि भारतीय अकादमी के नाम से जाना जाता है या भारतीय संविधान के नाम से जाना जाता है या उपन्यास या अखबार के नाम से जाना जाता है। तो सभी साथी कमेंट करके बताएंगे। तो देखिए यहाँ पर भारतीय अकादमी के नाम से ये तो गलत हो जाएगा, उपन्यास भी यहाँ पर गलत हो जाएगा, अखबार भी गलत हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि भारतीय संविधान के नाम से भी हम जाना जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में दिया गया है कि भारतीय संविधान हमारे देश के एक समूह, मतलब हमारा जो देश का एक समूह किसका समूह है, कानून और नियम का है, चाबियों का है, औजार का है या घड़ी का है। इसमें से आपको कमेंट करना, सभी साथी कमेंट करके बताएंगे इसमें से राइट कौन सा होना चाहिए। भारतीय संविधान हमारे देश का एक समूह, मतलब किसका समूह, लॉ एंड रूल का है या की है, टूल है या वॉच होगा, इसमें से सही बताना है कौन सा राइट आंसर होना चाहिए। तो सभी साथी कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर। तो जो भी साथी हमारे ऑप्शन नंबर ए राइट का आंसर ए कर रहे हैं तो उनका राइट होगा, यानी कानून और नियम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन दिया गया वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। इसमें दिया गया रसायन और अपशिष्ट और प्लास्टिक को अगर पानी में छोड़ा जाता है तो क्या कहलाएगा। अगर मान लिया आपने किसी भी रसायन को और अपशिष्ट पदार्थ को और प्लास्टिक को अगर पानी में छोड़ देते हैं तो उससे होगा क्या, ध्वनि प्रदूषण होगा, धारा प्रदूषण होगा, जल प्रदूषण होगा या वायु प्रदूषण होगा। तो आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा होना चाहिए। देखिए यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया, रसायन अवशिष्ट और प्लास्टिक को अगर पानी में छोड़ें ध्वनि प्रदूषण तो होगा नहीं, ये तो गलत ही हो गया, फिर धारा प्रदूषण ये भी गलत हो जाएगा, वायु प्रदूषण ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी बचता है तो ये राइट आंसर हो जाएगी, इसको क्या बोलेगा, जल प्रदूषण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसको अच्छे से याद कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा, यहाँ पर एग्जाम में हमेशा याद रखना क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखना, बिल्कुल घबराना मत, अभी से मैं इसलिए आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पर ही आपको क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, इसलिए आप जितनी प्रैक्टिस करना है इन क्वेश्चनों को लगा कर लिए एग्जाम में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि वैज्ञानिक हमें चेतावनी दे रहे हैं कि पृथ्वी के तापमान में वृद्धि का कारण बनती है, मतलब पृथ्वी पर जो टेम्परेचर बढ़ रहा है किसके कारण बन रहा है, नष्ट करना, लैंड स्लाइडिंग और गर्म या ग्लोबल वार्मिंग, इसमें से आपको बताना सही आंसर कौन सा होना चाहिए। तो सभी साथी कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर जल्दी से बताएं। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर अगर सोच रहे हैं ऑप्शन नंबर डी उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी हमारा क्या हुआ, ग्लोबल वार्मिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हुआ, ग्लोबल वार्मिंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, अच्छे से याद कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन को देखिएगा कि निर्माण जगत में रिक्त स्थान की पूर्ति करना है कि के साथ प्रमुख परिवर्तन हुए, मतलब कहने का मतलब है जो निर्माण जगत में होते हैं प्रमुख परिवर्तन किस में हुआ है, हरित क्रांति में हुए, दुग्ध क्रांति में हुए या औद्योगिक क्रांति में हुए या फिर आप देख सकते हैं श्वेत क्रांति में हुआ। तो आपको इसमें से सही कमेंट करके बताना है कि जो निर्माण जगत में अगर जो मैन्युफैक्चरिंग में होता है उसमें वर्ल्ड में अगर कुछ भी अगर चेंजेस होते हैं तो किस में चेंजेस होंगे, इसके बारे में पूछा गया। तो कमेंट करके बताएं इसमें से चार ऑप्शन में से कौन सा होना चाहिए सही। तो सभी कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर जल्दी से कमेंट करें, जितने भी साथी हमारे वीडियो देख सभी कमेंट करके बताएंगे। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं हमारा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा, यानी क्या, औद्योगिक क्रांति इसका राइट आंसर होगा, यानी इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, अच्छे से याद कर लेना, ऑप्शन नंबर सी यानी औद्योगिक क्रांति इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन आपका अगला आ चुका है, क्वेश्चन में दिया गया कौशल का नियमित मूल्यांकन रिक्त स्थान की पूर्ति करने पर की वृद्धि के लिए आवश्यक है, मतलब कौशल का जो नियमित मूल्यांकन है वो किसके लिए आवश्यक है, इसके बारे में पूछा गया है कि आजीविका के लिए, साक्षात्कार के लिए, काम के लिए, कौशल के लिए। तो इसमें से सही आंसर आपको कमेंट करना, तो जल्दी से कमेंट करके बताएंगे सभी साथी इसका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए। तो जितने भी स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं सभी कमेंट करेंगे। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं अगर ऑप्शन नंबर ए कर रहे हैं तो उनका राइट आंसर हो जाएगा, यानी हमारा क्या हुआ, कैरियर यानी आजीविका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हुआ, कैरियर यानी आजीविका इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं,
क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यानपूर्वक पढ़ा करें, उसके बाद ही आंसर करा करें, ठीक है। आपको मैं 5 सेकंड तो देता ही हूँ जिससे कि आंसर आप कमेंट कर सकें, ठीक है। क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सा व्यक्ति के व्यक्तित्व का हिस्सा नहीं है, मतलब हिस्सा नहीं के बारे में पूछा है, जो हिस्सा है उसके बारे में नहीं, जिसके बारे उसके बारे में पूछा है जिसमें नहीं है, ठीक है। ताकत दिया गया है, वीकनेस यानी कमजोरियां हैं, या बिलीफ्स यानी मान्यताएं हैं, या स्किन कलर यानी त्वचा के रंग है। तो इसमें से आपको कमेंट करना है सही आंसर कौन सा होगा, जो हिस्सा नहीं है, व्यक्तित्व का हिस्सा नहीं, उसके बारे में बताना। तो कमेंट करके बताएं इसका राइट आंसर। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर होगा, यानी हमारा क्या होगा, त्वचा के रंग। ये क्या है, एक व्यक्ति के व्यक्तित्व का हिस्सा नहीं है, बाकी ताकत है, स्ट्रेंथ है, या वीकनेस है, या और बिलीफ जो मान्यताएं हैं, ये सभी के सभी क्या है, व्यक्ति के व्यक्तित्व का हिस्सा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, जो कि हिस्सा नहीं है त्वचा के रंग, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि जिस तरह से हम समस्या का प्रबंधन और समाधान करते हैं उसको क्या कहते हैं, तो उसको बोलेंगे क्या, इसके बारे में पूछा जाएगा, सकारात्मक रवैया बोलेंगे, युद्ध वियोजन बोलेंगे, या नकारात्मक रवैया, या ऑप्शन डी हमारा जुनून दिया गया यानी पैशन। तो इसमें से सही बताएं आप कमेंट करके कौन सा सही होना चाहिए। तो सभी साथी कमेंट करके बताएंगे इसका राइट आंसर जल्दी से। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा, यानी हमारा क्या होगा, युद्ध वियोजन इसका राइट आंसर हो, क्या है, युद्ध वियोजन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छे से याद कर लेना, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में दिया गया है, हम अपने विचारों और भावनाओं को रिक्सान की पूर्णता के माध्यम से साझा कर सकते हैं। कहने का मतलब है, अगर आपको अपने विचार जो भाव हैं अगर उनको अगर अभिव्यक्त करना है तो किसके द्वारा कर सकते हैं, कम्युनिकेशन यानी संचार के द्वारा, रीडिंग यानी पढ़ने के द्वारा, वाचिंग यानी देख रहा, या फिर हेयरिंग मतलब सुनना, तो इस किसके द्वारा हम व्यक्त कर सकते हैं। तो आप तो इसका राइट आंसर कमेंट कर ही सकते हैं। देखियो, पढ़ने के द्वारा ये तो गलत हो जाएगा, देख रहा ये भी गलत हो जाएगा, सुनना ये भी गलत हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा, यानी कम्युनिकेशन यानी संचार इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में दिया गया कि मौखिक संचार का उपयोग है, मतलब जो मौखिक जो संचार है उसको हम किसके रूप में व्यक्त करते हैं, संकेत के रूप में, शब्द के रूप में, या गणित के रूप में, या छवियों के रूप में। तो आपको बताना होगा इसमें सर राइट आंसर कौन सा होना चाहिए चार ऑप्शन में से। देखिए यहाँ पर संकेत तो गलत हो जाएगा, गणित भी गलत हो जाएगा, और आपका यहाँ पर छवियाँ इमेजेस जो ये भी गलत हो जाएगा, लेकिन जो वर्ड दिया गया है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या वर्ड्स क्या होगा, शब्द इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, अच्छे से याद कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन में दिया गया है कि स्पष्ट संचार यानी कि क्लियर कम्युनिकेशन जो लीड्स टू, मतलब जो स्पष्ट संचार की ओर ले जाता है, मतलब स्पष्ट जो संचार किसकी ओर ले जाएगा, अलग काम के लिए, अब विपरीत काम के लिए, या धीमा काम के लिए, या फिर तेज काम के लिए। तो सभी साथी बताएंगे इसमें से कौन सा राइट होगा, और आसानी से बता सकते हैं इसका राइट आंसर, सभी को याद होना चाहिए। तो जल्दी से कमेंट करें, अगर आपका स्पष्ट संचार होगा यानी क्लियर कम्युनिकेशन होगा तो क्या होगा, आपका फास्ट वर्क होगा, मतलब तेज काम होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद करना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यह आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन में दिया गया है कि विच इज नॉट ए टाइप ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, यानी कहने का मतलब है कौन सा गैर मौखिक संचार का प्रकार नहीं है, नहीं के बारे में पूछा, मतलब गैर मौखिक संचार नहीं है इसके बारे में पूछा गया, ईमेल है, आंखों से संपर्क है, या हाथ आंदोलन है, और ऑप्शन डी हमारा दिया गया चेहरे की अभिव्यक्ति। तो इसमें से आपको कमेंट करना है, तो सही कौन सा होना चाहिए, तो सभी साथी कमेंट करके बताएंगे, जो नहीं है इसके बारे में बताना है, तो जल्दी से कमेंट करें इसका राइट आंसर। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा, यानी हमारे क्या हुआ, ईमेल जो हमारा है ये क्या है, गैर मौखिक संचार का एक अंग नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। जैसे कि ऑप्शन बी दिया गया आई कॉन्टैक्ट, ये भी सही होगा, और हैंड और मूवमेंट्स, ये हाथ आंदोलनों, और ये भी सही होगा, और डी हमारा फेशियल एक्सप्रेशन जो चेहरे की अभिव्यक्ति, ये सभी के सभी क्या हैं, गैर मौखिक संचार के एक अंग है, बाकी जो नहीं है वो ईमेल इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं,
क्वेश्चन अगला दिया गया है कि अगर कोई आराम से कंप्यूटर और इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकता है तो उसको हम क्या कह सकते हैं। मतलब कहने का मतलब अगर कोई कंप्यूटर और इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहा है तो उस व्यक्ति को हम क्या कह सकते हैं। खेल साक्षरता बोल सकते हैं या डिजिटल साक्षरता बोल सकते हैं या सांस्कृतिक साक्षरता बोलते हैं या ऑप्शन डी दिया गया साक्षरता। तो इसमें से सही कमेंट करना आपको, इसमें से कौन सा राइट होगा सभी बताएंगे इसका राइट आंसर। तो जल्दी से कमेंट करें इसका राइट आंसर चार ऑप्शन में से कौन सा होना चाहिए। तो सभी साथी कमेंट करेंगे तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। यानी जो कंप्यूटर और इंटरनेट का इस्तेमाल करता है या उसका ज्ञान रखता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिजिटल लिटरेसी यानी कि डिजिटल साक्षरता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिजिटल साक्षरता बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है कि इनमें से कौन सा डेस्कटॉप कंप्यूटर का हिस्सा नहीं है। मतलब क्या पूछा गया, डेस्कटॉप जो कंप्यूटर होता है उसका हिस्सा नहीं है इसके बारे में पूछा गया। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है मॉनिटर होना चाहिए, एंटीना है, वेब कैमरा है या माउस है। तो इसमें जो पूछा गया है डेस्कटॉप का कंप्यूटर का हिस्सा नहीं है इसके बारे में बता। देखिए यहाँ पर मॉनिटर भी डेस्कटॉप का हिस्सा है, मतलब हिस्सा है, वेब कैमरा भी हिस्सा है और माउस भी है, लेकिन जो एंटीना दिया गया है ये क्या है, एक डेस्कटॉप कंप्यूटर का हिस्सा नहीं है। तो इस प्रकार जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से याद कर लेना कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है कि व्हाट डज सीपीयू स्टैंड फॉर। कहने का मतलब दिया गया है कि सीपीयू का अर्थ क्या है, मतलब सीपीयू का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर चार ऑप्शन दिए गए हैं, आप आसानी से कमेंट करके बता सकते हैं इसका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए। और बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया, तो जल्दी से कमेंट करें इसका राइट आंसर। सीपीयू का फुल फॉर्म सभी कमेंट करेंगे, पूरा फॉर्म इसका फुल फॉर्म लिख के हमें कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर कहाँ होना चाहिए। जल्दी से कमेंट करें। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर हो जाएगा। यानी सी का मतलब होता है सेंट्रल, पी का मतलब होता है प्रोसेसिंग और यू का मतलब होता है यूनिट, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको अच्छे से याद कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी एग्जाम के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन में दिया गया कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या है। जो कंप्यूटर मतलब व्हाट इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर का मस्तिष्क के बारे में पूछा गया। कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या है, वेब कैमरा है, ट्रैक पैड होगा या मॉनिटर होगा या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होगा। तो इसमें से आपको कमेंट करना, जल्दी से कमेंट करके बताएं इसका राइट आंसर चार ऑप्शन में से कौन सा होना चाहिए। तो सभी स्टूडेंट कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर, जल्दी से बताएं। तो जो भी साथी इसका अगर राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर डी उनका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि हमारा जो कंप्यूटर का जो ब्रेन होता है उसको हम बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हुआ, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है कि कंप्यूटर को बंद करने के लिए सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला वर्ड यानी शब्द क्या है। अगर आप कंप्यूटर को जब बंद करते हैं तो सबसे ज़्यादा यूज़ कौन सा वर्ड करते हैं, हैंग मतलब आपका यूज़ करेंगे, स्विच ऑन का करेंगे या शट डाउन का करेंगे या पावर ऑन करके। ये तो सभी आंसर बता सकते हैं कमेंट करके, जल्दी से कमेंट करके बताएं इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। सभी कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर, जल्दी से जितने भी स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं सभी कमेंट करेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर करें जिससे आपके अन्य मित्रों को भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। और चैनल पर पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्या करना, ऑल पर प्रेस करना, जिससे कि क्या होगा नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। तो बताएं इसका राइट आंसर। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर हो जाएगा। यानी हमारे क्या होगा, शट डाउन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपने कई बार सुना होगा कि कंप्यूटर को बंद कर दें तो उसमें कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं, शट डाउन कर दें, क्या कर दें, शट डाउन। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में दिया गया है कि भौतिक शरीर और यौन अंग जिसके साथ हम पैदा होते हैं वे व्यक्ति के को संदर्भित करते हैं। मतलब कोई भी व्यक्ति भौतिक शरीर और यौन अंग के साथ अगर पैदा हुआ है तो उसको हम क्या बोलेंगे, जेंडर, लिंग, आयु या दस्तावेज। तो क्या बोलना चाहिए, सभी साथी कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर, जितने भी साथी हमारे वीडियो सभी कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं हमारे ऑप्शन नंबर बी उनका सॉरी दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है, लिंग यानी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ जाए। क्वेश्चन में पूछा गया है कि लड़कों को अक्सर अपने नुकसान की पूर्ति करना को व्यक्त करने से हतोत्साहित किया जाता है, विचार, भावनाएं, विचारों या फिर खुशी। इसमें आपको कमेंट करना सही कौन सा होना चाहिए चार ऑप्शन में से। सभी साथी कमेंट करके बताएंगे, जल्दी से कमेंट करें सभी साथी इसका राइट आंसर। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर करके आएंगे, ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर, यानी इमोशंस यानी भावनाएं इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है कि भारत में 5 वर्ष से कम आयु के रिक्शान की पूर्ति को पर्याप्त पोषण नहीं मिलता। किनको नहीं मिलता है? बॉयज़ को, गर्ल्स को, या एनिमल्स को, या फिर मेन को। तो इसमें से सही आपको कमेंट करके बताना है कौन सा होना चाहिए। तो जल्दी से कमेंट करें सभी साथी इसका राइट आंसर। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर करेंगे, ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर होगा, यानी कि यह होगा हमारा गर्ल्स का करेक्ट आंसर होगा। क्या गर्ल्स इसका करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों ये हमारा पूरा के पूरा 75 क्वेश्चन का पूरा मॉक टेस्ट हम आपने CBT में इसी तरह के क्वेश्चन से एग्जाम में पूछेंगे जाएंगे। अगर वीडियो आपने प्रॉपर वे से देखी है तो 101% आपको यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी देखने के लिए मिलेंगे। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टडी ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।